हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर क्लास टीचर. नाउ हियर वी विल राइट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये करा दिया है, अब मैं इसे नोटबुक में करना सिखाऊंगी आपको. तो इधर हमने वॉवल्स लिखे हैं, कॉन्सोनेंट तो ये हमें सेपरेट सेपरेट लिखने थे. नाउ टेक आउट योर नोटबुक. यस, टेक आउट Take out your notebook. Yes, this is your notebook. तो take out, यहाँ हम date डालेंगे date. यहाँ हम लिखेंगे vowels and consonants. VOWLES vowels, AND and conso. वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे वॉवल्स. क्या लिखेंगे? वॉवल्स, VOWELS वॉवल्स. तो वॉवल्स कितने होते हैं? फाइव. कितने होते हैं वॉवल्स? फाइव. तो ए, ई, आई, O, U, these are vowels. A, E, I, O, U. तो अभी take out your notebook and write vowels. A, E, I, O, U are vowels. A, E, I, O, U are vowels. अब है consonants. तो यहाँ लिखेंगे हम consonants. CONSONANTS consonants, consonants. तो अब है बताइए, ए तो वॉवल्स है, तो अभी हम लिखेंगे बी, फिर हम लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे डी, फिर लिखेंगे एफ, फिर लिखेंगे जी, फिर एच. आई लिखेंगे नहीं क्योंकि आई वॉवल्स है, हम लिखेंगे जे, फिर लिखेंगे के, फिर एल, एम. ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ वॉवल से ऊपर लिख दिया है हमने, राइट कर दिया है. अब लिखेंगे पी, क्यू, आर, एस. ये हम लिख रहे हैं कॉन्सोनेंट्स. क्या लिख रहे हैं हम? कॉन्सोनेंट्स. फिर टी, यू भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यू वॉवल से. V, W के बाद आएगा X, फिर आएगा Y एंड Z. दीज आर कॉन्सोनेंट्स. वाट आर दीज? दीज आर कॉन्सोनेंट्स एंड दीज आर वॉवल्स. तो यहाँ हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों फिल राइट कर दिए हैं. आप भी अपनी नोटबुक निकालिए, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइट कीजिए. अब यहाँ था फर्स्ट लेटर लिखना था हमें पिक्चर्स का, और वो कंप्लीट करनी थी. कर ली है हमने नोटबुक में. देखिए ये है आपका वॉवल्स, ये है कैपिटल में, कैपिटल अल्फ़ाबेट में है. ये हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखी है. ये हमने क्योंकि हमने इस कैपिटल में यहाँ लिख दी थी बुक में, फिर अब हम इस वॉल में लिख दी नोटबुक में. तो आप अपनी नोटबुक निकालिए और नीट एंड क्लीन बिल्कुल फिल कीजिए. ए, ई, आई, ओ, यू. ये है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, N, P, Q, R, S,
TVWXYZ। तो नाउ अब हम फिल करेंगे कंप्लीट द अल्फ़ाबेट। यहाँ हमें अल्फ़ाबेट है हमारी, उसमें फिल अप से उसे कंप्लीट करेंगे। तो नाउ स्टार्ट। अब बताइए ए के बाद क्या आता है? यस, ए के बाद बी। यस, सी के बाद क्या आएगा? ए बी सी। सी के बाद डी। डी के बाद ई। क्या आएगा? ई। ई के बाद एफ। क्या आएगा? एफ। फिर आएगा जी। जी के बाद आएगा एच। आई। फिर आएगा जे। फिर आएगा एम। ओ। क्यू। एस। यू। डब्लू। एक्स। एक्स के बाद वाई। फिर जेड। ये देखिए हमने फिलअप्स कर लिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। ये आपको अपने नोटबुक में भी करना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस डी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। ये जेड तक है कंप्लीट द अल्फ़ाबेट।